जरा ध्यान से देखिए इस बच्चे को, ये है तो महज 8 साल का, लेकिन आज इसने काम किया है बड़ी ही बहादुरी का और बन गया है लोगों का मसीहा। जी हाँ, इस बच्चे ने आज लाखों लोगों की जान बचा दी है। अब सियालदह सिलचर जाने वाली कंचनजंगा एक्सप्रेस 5वीं कक्षा के छात्र की मौजूदगी में बच गई। सुपर फास्ट ट्रेन के सैकड़ों यात्रियों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर इस छोटे से किशोर की वीडियो काफी वायरल हो रही है और ये खबर बिल्कुल 100% सच है, जिसे देखकर रेलवे अधिकारी हैरान रह गए हैं। अब कंचनजंगा एक्सप्रेस काफी तीव्र गति से दौड़ रही थी, ट्रेन के इंतजार में परेशानी हो रही थी। उस वक्त 8 साल का यह लड़का रेल लाइन के किनारे से होकर घर लौट रहा था। अचानक उसने देखा कि अप लाइन के कई हिस्से हिल गए हैं और ठीक पटरी के पास बड़े बड़े गड्ढे हैं। उसने जल्दी से अपना लाल कपड़ा उतारा और ट्रेन के ट्रैक पर खड़ा हो गया और ड्राइवर को संकेत देने लगा। लाल सिग्नल देखकर ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाया और ट्रेन रोक दी और ट्रेन बड़े ही खतरे से बच गई। ट्रेन के सैकड़ों यात्री बाल बाल बच गए। तब रेलकर्मी अप लाइन की मरम्मत के लिए दौड़ पड़े। ट्रेन सुरक्षित है, अपने गंतव्य तक पहुंच गई है। आपको बता दें, इस बहादुर लड़के का नाम मुसरलिम है। वह मालदा जिले के तालुका रोड स्टेशन के पास गांव में रहता है। उसने रेल पटरी के किनारे बड़ा गड्ढा देखा। वह लाल रंग की टी शर्ट पहना हुआ था। उसने उसे उतार कर लहराना शुरू कर दिया और तभी ट्रेन ने इमरजेंसी ब्रेक लगाया और ऐसे में सैकड़ों यात्री बाल बाल बच गए। आइए जरा सुनते हैं क्या कुछ कहा इस बहादुर लड़के ने। কটার সময় হয়েছিল? তখন কি বৃষ্টি পড়ছিল? তখন কি বৃষ্টি পড়ছিল? বৃষ্টি হচ্ছিল না। তো তুমি কিভাবে দেখলে ওই খালটাকে? খাল সবাই করে যাই না খাল। হ্যাঁ তো সব খাল ট্রেন আমি আগে গাঞ্জি খুলে ট্রেন আগে উঠছি আর ট্রেনকে দেখাচ্ছি। লাল গেঞ্জি? হ্যাঁ লাল গেঞ্জি, এটা দেখাচ্ছি আগে উঠছি আর ট্রেনকে দেখাচ্ছি। তো নেমে খালে গেছে ট্রেন, নেমে তখন দেখছে খাল, আমি সরকারি খাল। রেল যে উপরে চলে যাচ্ছি, উপরে চলে যাইয়া দেখি তো গাড্ডা ওরা কিন্তু ছিল, দিয়ে তো ছিল ওই যে দিয়ে তখন হানিম মনে চলে যেতে লাগলাম আর গাড়ি ওদিক থেকে চলে আসছে। গাড়ি বলছি কি যে গাড়ি রুখো, ড্রাইভারকে ড্রাইভার তখন মনে করো খাড়ি হয়েছিল, গাড়ি টেনে দিলে কি করলে গাড়ি থেমে হলো। আপনাদের গ্রামে একটা ছেলে এই ধরনের কাজ করলো, আপনাদের কেমন লাগছে? তারপরে কি হয়েছে? তারপরে তো বললো যে একটা গর্ত ছিল, রেল দিয়ে যাচ্ছিল সব অনেক ছিল, গর্তটা দেখে ট্রেন দেখি ট্রেন চলে আসছে। এরা লাল একটা গেঞ্জি ছিল, গাঞ্জি দেখেছে আর কেউ কেউ আগে থেকে গেছে, তারা বলেছে ট্রেন দাঁড় করে গর্ত হয়তো অ্যাক্সিডেন্ট হইতে পারে, ওই জন্য ট্রেনটাকে দাঁড় করেছে।